नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम 100। स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के लिए तैयारी कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता से मांगे सुझाव। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के एमएलए को मंच से धमकाया, कहा हड्डियां तोड़ दूंगा। आईसीएमआर की सीरो रिपोर्ट, कुल्लू जिले के 60% लोगों में बनी कोरोना एंटीबॉडी। टेरर फंडिंग और आतंकी के मामले में शोपियां में कई ठिकानों पर एनआईए ने मारा छापा। कई मायनों में ऐतिहासिक रहा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र, 8 राजकीय विधायकों को दी गई स्वीकृति। गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की रणनीति को नाकाम करने में जुटा भारत। मध्य प्रदेश में सरकारी काम की निगरानी के लिए नया अधिकारी तैनात, नाम है एरिया ऑफिसर ऐप। सांसद के वेललवना के आवास पर असम पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, पूछताछ के लिए समन भी जारी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा एमएसएमई सबसे ज्यादा प्रभावित, सरकार दे हर संभव मदद। देश में प्रदूषित नदी क्षेत्रों की संख्या में इजाफा, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दी ये जानकारी। भारत व अमेरिका ने वैश्विक कल्याण का समझौता 5 साल के लिए बढ़ाया। स्कूल कॉलेज खोलने पर केंद्र जल्द लेगा फैसला, राज्यों के साथ चर्चा के बाद जारी हो सकती है गाइडलाइन। भारतीय रेलवे ने शुरू किया ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण अभियान, जिसमें 740 किलोमीटर का कोंकण रेलवे का नेटवर्क है शामिल। असम के गृह सचिव एमएस मणिवन्नन ने एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को दी मिजोरम न जाने की सलाह, दोनों राज्यों में बड़ी तल्खी। भारत ने दी चीन पाक को सख्त चेतावनी, कहा सीपीईसी भारत की जमीन पर बंद होगा। साकार हो रहा पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना, कोरोना काल में बढ़ा 30% डिजिटल पेमेंट। डिवाइडर पर चढ़कर पलटी टूरिस्ट मिनी बस, 12 लोग घायल, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा जाम। सीएम का आदेश भी नहीं मान रहे पुलिस अधिकारी, एडीजे ने अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान संस्थान ने 9 विषयों पर होगा अध्ययन, गृह मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को दी जाएगी 10 लाख की आर्थिक सहायता।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संपत्ति फ्री होल्ड करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। यूपी में खटाई में पड़ी केंद्र सरकार की नेशनल वेजिटेबल इन पेरी अर्बन एरिया योजना, 4.25 करोड़ खर्च करने के बाद भी लाभ से वंचित है किसान। बदल जाएगी पूर्वांचल के किसानों की दशा, गीडा में बनेगा अनाज से एथेनॉल। मुरादाबाद में 15 अगस्त को अन्न महोत्सव का होगा आयोजन, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। यूपी में निजी इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 15 जिलों में 9000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित, 9 में विकसित होगा पहला पार्क। यूपी में इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले कौशल विकास मंत्री। लखनऊ में पशुपालन विभाग में फर्जीवाड़े का बड़ा खेल, नियमों के विपरीत फर्म को सौंपा गया टेंडर, विभाग के निदेशक आरपी सिंह पर लगे आरोप, रोहित एंटरप्राइजेस ने भी खराब माल की सप्लाई। अलीगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी, अस्पताल में बच्चों के लिए बनेंगे पीकू वार्ड। औरैया में कारागार मंत्री ने किए पौधारोपण, आवास लाभार्थियों को सौंपे चेक। कोतवाली में भरा बारिश का पानी, बारिश ने खोली नगर पालिका के दावों की पोल। आजमगढ़ में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, बुजुर्ग की हत्या से इलाके में सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। वाहन चोरों का पुलिस ने किया भांडाफोड़, 2 वाहन चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद। आजमगढ़ में टूटी सड़क को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर लोगों ने की धान की रोपाई। फतेहपुर में बारिश के बाद जलमग्न हुई बस्ती, घरों में घुसा तालाब का पानी। सुल्तानपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, दर्जन भर मामलों में चल रहा था फरार। आगरा में कई सालों से महिला को किया जा रहा टॉर्चर, पीड़ित पिता ने लगाई न्याय की गुहार, बेटी को जन्म देने पर महिला का शोषण। आजमगढ़ में चुनावी रंजिश की वजह से मारपीट, दबंगों ने महिलाओं को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। गोरखपुर में खाद विभाग का बड़ा एक्शन, कारखाने में की गई छापेमारी, कई जगहों से लिया गया सैंपल। हमीरपुर में बारिश के कारण गरीब का आशियाना गिरा, घटना में बाल बाल बचा गरीब परिवार। कन्नौज में असलाहधारी बदमाशों की दबंगई, व्यापारी के घर में बदमाशों ने किया हंगामा, दबंगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में काम पर लौटे एम्बुलेंस कर्मचारी, जिले में एम्बुलेंस सेवा हुई बहाल।
शाहजहांपुर में डीएम ने महिलाओं से की अभद्रता, महिलाओं ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। उन्नाव में पति ने की पत्नी की हत्या, हत्या के बाद से आरोपी फरार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। फतेहपुर में पॉलिटेक्निक के छात्रों ने किया कमाल, छात्रों ने जैविक पेंट किया तैयार, छात्रों के इस काम से लोग हुए खुश। प्रतापगढ़ में चौकी इंचार्ज पर लिया गया एक्शन, चोरों से साठगांठ करना पड़ा भारी, चौकी इंचार्ज को किया गया निलंबित। सोनभद्र में फोन पर आया मैसेज, लाखों रुपए गायब, शिकायत पर पुलिस हुई एक्टिव। आजमगढ़ में शहर में सड़कों की हाल बेहाल, भारत रक्षा दल ने किया प्रदर्शन, सड़कों को दोबारा बनवाने की मांग। कानपुर में पहले पैसों का लालच देकर धर्मांतरण का प्रयास, पीड़ित ने कई बार लगाया थाने के चक्कर, न्याय की गुहार लगा रही पीड़िता। लखीमपुर खीरी में अवैध संपत्ति के शक में महिला की हत्या, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर लोगों का प्रदर्शन, आश्रितों ने नियुक्ति की मांग पर किया हंगामा। लखनऊ अग्रहरी समाज की ओर से हुआ कार्यक्रम, कार्यक्रम में कई लोग हुए शामिल। मुरादाबाद में रेलवे अधिकारी की सराहनीय पहल, दिव्यांग लोगों को मिलेगा फायदा। प्रतापगढ़ में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, मारपीट में कई लोग घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में उपनिरीक्षक पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, महिला को मिली जान से मारने की धमकी। सोनभद्र में डीएवी के छात्रों ने लहराया परचम, छात्र छात्राओं को मिली ढेरों बधाई। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार। फतेहपुर में लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश, घरों में घुसा बारिश का पानी। हमीरपुर में यमुना परिपथ पर पुलिस का पैदल गश्त, कोविड के लिए लोगों को किया गया जागरूक। आगरा में चोरों के हौसले बुलंद, दो दुकानों से हजारों का माल किया साफ, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। चमोली में 2013 की आपदा में छिन गया आशियाना, बेघरों की ओर ध्यान नहीं दे रही सरकार। उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, खत्म होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता। उत्तराखंड 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन।
हरिद्वार में श्रमिक यूनियनों का प्रदर्शन, न्यूनतम वेज और ईपीएफ को लेकर जताई नाराजगी। हरिद्वार जिले को मिली नई आरटीपीसीआर लैब, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने किया लोकार्पण। हरिद्वार में मंचलों को लोगों ने सिखाया सबक, आए दिन लड़कियों से करते थे छेड़खानी। अफगानिस्तान की सरकार ने कहा तालिबानी हमलों का समर्थन कर रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। चीन की बौखलाहट फिर आई सामने, अरुणाचल को भारत का हिस्सा दिखाने वाले नक्शे जब्त। बाइडेन ने भारतीय अमेरिका पहले मुस्लिम धर्म स्वतंत्रता को राजदूत के रूप में किया नामित। अफगानिस्तान के यूएन परिसर को भी तालिबानियों ने नहीं बख्शा, महासचिव गुतेरेस ने की निंदा। चीन में अचानक बड़े डेल्टा वेरिएंट के मामले, घातक वेरिएंट की चपेट में बीजिंग समेत 15 शहर। अफगान सुरक्षा बलों ने ढेर किए 100 आतंकी, तालिबान के साथ तेज हुआ संघर्ष। पाकिस्तान में पीओके के चुनाव परिणाम का जमकर हो रहा विरोध प्रदर्शन, विपक्षी पार्टियों ने इमरान पर लगाया धांधली का आरोप। पाकिस्तान में लोगों के हाल बेहाल, 18 घंटों तक गुल हो रही बिजली, सड़कों पर उतरे गुस्साए लोग। अफगानी राजनेताओं ने ईरान पर लगाए तालिबान के समर्थन के आरोप, कहा राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं। इजराइल राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने ली कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज, बूस्टर शॉट देने वाला पहला देश बना इजराइल। फिलीपींस ने फिर प्रमुख अमेरिकी सैन्य समझौते को पूरी तरह किया बहाल, दुर्ते ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद लिया फैसला। अफगान में चल रहे युद्ध में पाकिस्तान के शामिल होने की वजह से स्वीडन में पाक दूतावास के बाहर अफगानियों का विरोध प्रदर्शन। डेल्टा वेरिएंट के कारण मिडिल ईस्ट में आई कोरोना की चौथी लहर, डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। जापान की राजधानी में कोरोना का कहर, एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड केस। पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ बड़े अत्याचार, मानवाधिकार समूहों ने दी चेतावनी। कॉम्बैट ड्रोन के लिए पुराने एयरबेस के रनवे को तैयार कर रहा पाकिस्तान, भारतीय सेना हर मूवमेंट पर रख रही नजर। इराकी सेना ने कहा इराक के उत्तर में आतंकवादी हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। इथियोपिया के टिग्रे में भूख से मर सकते हैं 1 लाख बच्चे, कुपोषण के 10 गुणा से अधिक बढ़ने की आशंका।
जनरल बाजवा ने कहा पाक चीन की बढ़ते साझेदारी को क्षेत्रीय शांति के लिए है अहम। इसराइल में 60 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज, ऐसा करने वाला पहला देश। चीनी कंपनी दीदी ग्लोबल ने शेयर की पुनर्खरीद योजना की रिपोर्ट का किया खंडन। दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक 2021 में बड़ा बदलाव, टैक्स फर्जीवाड़ा को रोकेगी केजरीवाल सरकार। बकाया बिल के बदले एनबीएफसी से कर्ज ले सकेगी छोटी कंपनियां, एमएसएमई का नकदी संकट दूर होने में मिलेगी मदद। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा अगले वित्त वर्ष में 7% तक विकास दर का अनुमान, महंगाई दर आ सकती है 6% से नीचे। उत्तर भारत के एक पान मसाला ग्रुप के 31 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी, 400 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा। 3 अंदाजी में भी अतनु दास की हुई हार, उन्हें जापान के ताकाहारू फुरुकावा ने 6-4 से हराया। स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में से लिया ब्रेक, भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे सीरीज। श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों पर 1 साल का बैन, 38 लाख रुपए का लगा जुर्माना। श्रीलंका क्रिकेट ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने पर श्रीलंकाई टीम को 74 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा। आरसीबी ने बनाया बड़ा प्लान, टीम इंडिया को परेशान करने वाले लेग स्पिनर वानीदू हसानरंगा गेंदबाज को टीम में मिलेगी जगह। सिंगर नेहा भसिन बनी बिग बॉस की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट, वूट सिलेक्ट ने किया ऐलान। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम संक्रांति 2022 यानी 14 जनवरी को थिएटर्स में आएगी, इससे पहले राधे श्याम 30 जुलाई को दुनिया भर में होने वाली थी रिलीज। जावेद अख्तर, शबाना आजमी और ममता बनर्जी की मुलाकात पर कंगना किया आपत्तिजनक कमेंट, पश्चिम बंगाल सीएम की राक्षसी ताड़का से की तुलना। एक्ट्रेस जिया खान की आत्महत्या के 8 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत करेगी मामले की सुनवाई, 2 साल पहले दिया था सीबीआई ने आवेदन। प्राइम 100 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे।